डियर स्टूडेंट, MAVN की ऑनलाइन क्लास में आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे कक्षा 5 हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आपका पाठ 10 है विशेषण का। विशेषण का अध्ययन करने से पहले आप ध्यान रखिए, सर्वप्रथम विशेषण क्या है, विशेषण किसे कहते हैं। तो देखिए, विशेषण को आप कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे पीला कुर्ता, 4 लड़के। आपको यहाँ ध्यान देना है, जो पीला है यह पीला क्या है, पीला है विशेषण। 4 है तो 4 क्या है, 4 है विशेषण। तो कुर्ता और लड़के ये क्या है, तो कुर्ता क्या है, विशेष है। लड़के जो लिखा गया है ये भी विशेष है। अब विशेष क्या होता है इसको भी आप ध्यान रखिए। जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है, यानी वे शब्द जो संज्ञा के होते हैं और उनकी विशेषता अगर बतलाई जाती है तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें विशेष कहते हैं। अर्थात यहाँ आप देख सकते हैं कि पीला कुर्ता में पीला तो विशेषण हो गया, लेकिन कुर्ता जो है या कुर्ता क्या होता है, कुर्ता विशेष हो गया। ठीक उसी प्रकार से 4 लड़के में 4 विशेषण हो गया आपका, और लड़के जो बचते हैं वे विशेष हो जाते हैं, तो विशेष के अंतर्गत आते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। और आप एक विशेष रूप से ध्यान रखिए, इसकी ट्रिक क्या होती है विशेषण को पहचानने की, किस ट्रिक के द्वारा कैसे आप विशेषण को पहचान सकते हैं। तो ध्यान रखिए, विशेषण शब्द पहचानने के लिए कैसा या कितना प्रश्न किया जाता है। जैसे आपसे कहा जाए कि वह लाल साड़ी है, तो अब प्रश्न आपसे किया जाएगा कि साड़ी कैसी है, तो आप उसका उत्तर क्या देंगे, लाल। जैसे कहा जाए जाओ बाजार से 1 किलो चीनी लाओ, तो आपसे कोई प्रश्न पूछेगा चीनी कितनी है, तो उत्तर में क्या आप बताओगे, 1 किलो। तो आपको यह ध्यान रखना है, ट्रिक क्या होती है कि कैसा या कितना प्रश्न किया जाता है इसमें, तो वह क्या होता है, वह हमारा विशेषण होता है। तो ये तो हुआ विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण का अर्थ क्या होता है, विशेषण की परिभाषा क्या है, अर्थात किस प्रकार से आप विशेषण को पहचान सकते हैं। ये विशेषण को आप इस तरीके से आप समझ सकते हैं, इस तरह से आप विशेषण को समझ सकते हैं। अब बात करते हैं विशेषण के प्रकार की, विशेषण के टाइप्स की। तो देखिए, विशेषण के कुल 4 प्रकार होते हैं। उन 4 प्रकारों का ही आज हम इस विशेषण पाठ के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। विशेषण आपका चैप्टर आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिखाई पड़ेगा, और मैं चैप्टर में आए हुए उन मुख्य विशेषणों का उदाहरण सहित आपको अध्ययन कराता चलूंगा। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, छवि एक सुंदर और मेधावी लड़की है, वह एक चित्र बना रही है, उसकी कुछ सखियाँ उसके साथ बैठी हैं। यहाँ सुंदर, मेधावी एक तथा कुछ शब्द संज्ञा और सर्वनाम के साथ आए हैं और उनके बारे में कुछ विशेष बता रहे हैं, ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। अर्थात आप यह भी कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे नीचे आप देख रहे हैं, विशेषण शब्द पहचानने के लिए संज्ञा के बारे में प्रायः कैसा या क्या कितना प्रश्न किया जाता है। जैसे लाल साड़ी, कुछ लोग, स्वादिष्ट फूल, 1 किलो आम इत्यादि ऐसे शब्द लगे होते हैं। आप देख रहे हैं कैसी साड़ी, तो साड़ी का रंग क्या है, लाल है। कितने लोग, कुछ हैं, तो कुछ लोग। कैसे फल, स्वादिष्ट फल थे, स्वादिष्ट फल आप लिख सकते हैं। कितने आम, 1 किलो आम का रहा है। अर्थात कहने का आशय यह है कि साड़ी का रंग लाल है, तो लाल उसकी विशेषता है, अर्थात विशेषण है। और जहाँ लोग हैं कुछ कह रहा है, तो कुछ भी विशेषण है। और स्वादिष्ट फल हैं, तो स्वादिष्ट भी यहाँ विशेषण है। और 1 किलो आम की बात कर रहा है, तो 1 किलो जो है वो विशेषण है। और देखिए, जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष कहलाते हैं। जैसे अब आपको शब्द दिखाई पड़ रहा है, विशेषण और विशेष ये दोनों लिखे गए हैं। अब देखिए, पीला है, ठीक, और विशेष में क्या है, कुर्ता। तो विशेषण पीला है और विशेष क्या है, कुर्ता। जैसे आप कह सकते हैं पीला कुर्ता, तो पीला विशेषण है और विशेष कुर्ता हो गया। ताजे फल, तो ताजे विशेषण हो गया और फल विशेष हो गया। 4 लड़के, तो 4 विशेषण हो गया और लड़के विशेष हो गया। 2 किलो, तो 2 किलो क्या है, विशेषण है। और चावल या कुछ भी आप मांग रहे हैं, तो वो विशेष हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसे
ध्यान देंगे। और बात करते हैं विशेषण के भेदों को, तो देखिए विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम के गुण रूप रंग आकार तथा अवस्था का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे रीना एक मेधावी लड़की है, खजूर का पेड़ ऊंचा है, तो आप यहाँ देखेंगे मेधावी, मेधावी क्या है, विशेषण है, लेकिन गुणवाचक विशेषण है क्योंकि मेधावी उसका गुण है, तो यहाँ आप इसे समझ सकते हैं। खजूर का पेड़ ऊंचा है तो ऊंचा क्या है, विशेषण तो है, लेकिन कैसा विशेषण है, उसका गुण है, ऊंचाई उसकी गुण है, तो ऊंचा क्या है, गुणवाचक विशेषण है। अब देखिए गुणवाचक विशेषण क्या क्या होता है, जैसे कोमल, चंचल, चतुर, मूर्ख, चालाक, कुशल, गोरा, सुंदर, अच्छा, भद्दा इत्यादि, ये गुणवाचक विशेषण है। और जो रंग होते हैं वो भी गुणवाचक विशेषण होते हैं, जैसे काला, पीला, सफ़ेद, गुलाबी इत्यादि, ये भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। आकार जो होता है किसी का, मोटा, पतला, लंबा, दुबला, गोला, चौकोर, ये जो भी होता है यह सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। और कभी कभी अवस्था भी किसी की पूछी जाती है तो वह भी गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, जैसे युवा हो गया, किशोर हो गया, बीमार हो गया, कमज़ोर हो गया, स्वस्थ हो गया इत्यादि, ऐसे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं संख्यावाचक विशेषण का, तो आपका दूसरा विशेषण है संख्यावाचक विशेषण, अर्थात संज्ञा शब्दों की संख्या के बारे में बताने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेज पर चार संतरे हैं, तो यहाँ देखिए चार क्या है, संख्या बता रहा है, तो ये संख्यावाचक विशेषण है। पार्क में कुछ बच्चे हैं, तो कुछ जो बच्चे हैं उनकी संख्या सीमित नहीं है, निश्चित नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ का मतलब कुछ उनकी संख्या है, तो संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत वह आएगा। अब बात करते हैं तीसरे विशेषण की, तो विशेषण का जो तीसरा प्रकार है, तीसरा भेद है, वह है परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा शब्दों की माप या तौल के बारे में बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे जग में 2 लीटर दूध है, देखिए 2 लीटर, तो 2 लीटर क्या है, परिमाण, अर्थात उसकी नाप हो सकती है, तो नाप तोल जो होगा वो परिमाणवाचक में होगा। मुझे 1 मीटर कपड़ा चाहिए, तो मीटर अर्थात लंबाई का माप है, तो यह भी परिमाणवाचक विशेषण में ही होगा। किसान के घर अनाज का ढेर है, ढेर माने वो भी एक हिस्सा है, वो भी एक क्या कर रहा है, संज्ञा दे रहा है उसको माप तोल के लिए कर रहा है, तो वह भी परिमाणवाचक विशेषण होगा। और बात करते हैं विशेषण के चौथे भेद की, तो चौथा भेद है आपका सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण क्या है, तो संज्ञा के पहले लगकर उसकी विशेषता बताने वाले सर्वनाम शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है, तो घोड़ा बहुत तेज़ दौड़ता है, लेकिन कौन सा, यह, यानी किसी निश्चित के लिए कह रहे हैं, तो वह सार्वनामिक है। आज इस लड़के ने इनाम जीता, तो किसी लड़की की ओर संकेत करके कह रहे हैं, तो वह सार्वनामिक विशेषण होगा। अब विशेषण की रचना देखिए, ध्यान दीजिए, कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, जबकि कुछ विशेषणों की रचना संज्ञा सर्वनाम क्रिया तथा अव्यय में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर की जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में आप देखिए संज्ञा से बने विशेषण कैसे हैं, प्यास, तो प्यास संज्ञा है और इससे विशेषण इसका बना हुआ प्यासा है, तो भूख से भूखा बना हुआ है, भूख संज्ञा है, भूखा विशेषण है। देश से देशी बना है, दिन से दैनिक बना है, मास से मासिक बना है, चमक से चमकीला बना हुआ है, लखनऊ से लखनवी बना है, भारत से भारतीय बना हुआ है, ठीक है। बगल आप देखेंगे समाज से सामाजिक बना है, घर से घरेलू, दया से दयालु, कृपा से कृपालु, बनारस से बनारसी, ज्ञान से ज्ञानी, चाचा से चचेरा, राष्ट्र से राष्ट्रीय इत्यादि, ऐसे शब्द आप सुनते होंगे अपनी बोलचाल की भाषा में, तो ये संज्ञा से बने हुए विशेषण हैं। सर्वनाम से बने हुए देखिए जो विशेषण है, जैसे नाम और विशेषण यह दिया गया है, आप ध्यान दीजिए, यह से ऐसा बना हुआ है, वह से वैसा बना हुआ है, मैं से मुझसे बना हुआ है, ठीक है। और जैसे बगल दिया गया है आप देख सकते हैं, जो से जैसा, तुम से तुम्हारा, कौन से कैसा या किसका। और क्रिया से बने हुए कुछ विशेषण हैं, जैसे क्रिया और विशेषण दिए गए हैं, बंद से बंदनी, टिकना से टिकाऊ, भूलना से भुलक्कड़, देखना से दिखावटी, पूजना से पूज, पालना से पालने वाला। कुछ विशेषण अव्यय से भी बने हुए हैं, जैसे अव्यय और विशेषण आप ध्यान दीजिए, आगे से अगला बना हुआ है, नीचे से निचला बना हुआ है, ऊपर से ऊपरी बना हुआ है, पीछे से पिछला बना हुआ है, बाहर से बाहरी और भीतर से
भीतरी बना हुआ है। तो इस प्रकार ये इत्यादि से बने हुए विशेषण हैं। अब बात करते हैं विशेषण की अवस्था। तो देखिए विशेषण क्या है, विशेषण की अवस्था क्या है, जब विशेषण द्वारा दो संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है तो विशेषण का वह रूप विशेषण की अवस्था कहलाता है। विशेषण की निम्नलिखित तीन अवस्थाएँ होती हैं, आपको ध्यान रखना है। पहला मूलावस्था विशेषण, अर्थात अपने मूल रूप में यह रहता है। दूसरा उत्तरावस्था विशेषण, दो विशेषणों की एक दूसरे से तुलना जहाँ की जाती है वह उत्तरावस्था विशेषण होता है। और तीसरा उत्तमावस्था विशेषण, अर्थात एक विशेष को अन्य सभी से बढ़कर बताया जाता है तो उसे उत्तमावस्था विशेषण कहते हैं। अब कुछ विशेषणों की तीनों अवस्थाएँ होती हैं, जैसे मधुर से मधुरतर, महान से महानतर, सुंदर से सुंदरतर, लघु से लघुतर, न्यून से न्यूनतर, ठीक है। और यही चीज़ क्या हो जाएगा उत्तमावस्था में, क्या हो जाएगा, मधुर का मधुरतम हो जाएगा, महान का महानतम हो जाएगा, सुंदर का सुंदरतम हो जाएगा, लघु का लघुतम हो जाएगा और न्यून का न्यूनतम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी दिया है उच्च से, ठीक है, उच्चतर हो जाएगा उत्तरावस्था में, और उत्तमावस्था में उच्चतम हो जाएगा, प्रिय से उत्तरावस्था में प्रियतर हो जाएगा और उत्तमावस्था में प्रियतम हो जाएगा, कटु से उत्तरावस्था में कटुतर हो जाएगा और उत्तमावस्था में कटुतम हो जाएगा, स्पष्ट से उत्तरावस्था में स्पष्टतर हो जाएगा और उत्तमावस्था में स्पष्टतम हो जाएगा, विशाल से उत्तरावस्था में विशालतर हो जाएगा और उत्तमावस्था में विशालतम हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप विशेषणों की पहचान कर सकते हैं। तो बच्चों पाठ 10 विशेषण के अंतर्गत इतना ही। थैंक यू सो मच।